गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स टू डेस्टिनेशन और मेरा नाम है आकांक्षा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे पांच मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज करके कोई भी अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, चाहे फिर आपको शादी पार्टी में जाना हो या फिर कोई छोटी मोटी नॉर्मल गेट टुगेदर हो। तो कौन से ऐसे पांच वर्सेटाइल मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो हर लड़की के पास होने ही चाहिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लगा हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो कौन से ऐसे पांच मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। तो जो सबसे पहला मेकअप प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ये मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। मेरा इसमें शेड 310 है, 310 शेड है मेरा है। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है जो बहुत ही स्मूथ कवरेज आपको प्रोवाइड करता है। इसकी कवरेज उतनी मतलब फाइन नहीं है, उतनी ज्यादा कवरेज वाला फाउंडेशन नहीं है, ये नॉर्मल टू मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन है। बट डे टू डे लाइफ में और नॉर्मल मेकअप के लिए बहुत अच्छा है। इसकी बिल्डेबल कवरेज, आप बिल्ड भी कर सकते हैं इसको। और अगर आपको बहुत ज्यादा मेकअप नहीं चाहिए, बहुत लाइट सा मेकअप चाहिए, तो आप इसमें मॉइस्चराइजर मिला के इसको एज अ बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बीबी क्रीम की भी के लिए भी बता सकती थी आपको, बट मैंने इसलिए फाउंडेशन को चूज किया क्योंकि जब आपको फाउंडेशन की जरूरत है तो वो जरूरत आपकी सिर्फ फाउंडेशन ही पूरा कर सकता है, बट जब आपको बीबी क्रीम की जरूरत है तो आप अपने फाउंडेशन में थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिला के उसको एज अ बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हैं, बट बीबी क्रीम की जो कवरेज है उसको बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरा पहला प्रोडक्ट है ये मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। अभी हम बात करें बेस के बारे में तो सेकेंड प्रोडक्ट है वो भी मेरा बेस से रिलेटेड ही है। तो जो मेरा सेकेंड प्रोडक्ट है दैट इज दिस मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर। यहाँ पे इस कंसीलर में मेरा जो शेड है दैट इज आइवरी। मेरा जो शेड है इसमें आइवरी है। इसको मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज करती हूँ। आपके पास जब आपका बहुत फाउंडेशन लगाने का मन ना हो या फिर बहुत हैवी कवरेज आपको नहीं चाहिए बट आपको अपने जो फ्लॉज है फेस के उनको सिर्फ कवर करना है तो फाउंडेशन के बजाय कंसीलर बहुत ही हैंडी ऑप्शन है। आप थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करके अपने लुक को रिवैम्प कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो सेकेंड मस्ट हैव प्रोडक्ट इज दिस मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर और इसकी भी कवरेज बहुत अच्छी है और ये बहुत ही अच्छे से इवनली अप्लाई हो जाता है और बिल्कुल भी केकी नहीं लगता है फेस। जो थर्ड प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है ये देख रहे हैं आप ब्लूम करके मेकअप पैलेट है स्विस ब्यूटी का। स्विस ब्यूटी का ये मेकअप पैलेट मेरे पास है। इसमें ये चीक एंड आई शेडो पैलेट है। इसमें कुछ ब्लश भी है, हाइलाइटर्स भी है और बहुत ही वेरियस वेराइटी के जो आई शेडोज होते हैं वो भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल। इसमें बहुत सारे न्यूड कलर्स भी हैं, ये सारे चीक वाले हैं। इसमें आप हाइलाइटर्स ब्लश सब कुछ देख सकते हैं। डार्क ब्लशेस भी है, मैट भी है, थोड़े से शाइनी वाले भी हैं। बहुत ही अच्छा वर्सेटाइल मेकअप पैलेट है और आपको कोई ड्रामेटिक आई लुक क्रिएट करना है तो भी इसमें बहुत अच्छे आई शेडोज के ऑप्शन है। तो इसमें इन्वेस्ट करना जरूर बनता है बिकॉज दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल मेकअप प्रोडक्ट। और आप देख सकते हैं इसका जो मिरर है वो भी बहुत ही अच्छा है। इट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल मिरर। तो इसमें देखकर आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो आराम से इसमें देखकर आप अपना पूरा मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस इज माय थर्ड मस्ट हैव प्रोडक्ट। आपके पास एक वर्सेटाइल सी आई शेडो पैलेट होनी ही चाहिए जिसको आप एज अ ब्लशर एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सके ताकि आपको अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट ना करना पड़े। इसके बाद हम बात करते हैं आईज के बारे में। तो जनरली क्या होता है इंडियन लड़कियों को सबसे पहले अगर मेकअप की बात होती है तो आईलाइनर और काजल तो सबके पास होता ही है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज मैक्सिमम इंडियन गर्ल्स डे टू डे लाइफ में भी काजल का यूज करती ही हैं और कहीं ना कहीं आईलाइनर का भी यूज करती है, तो उन दोनों को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें यहाँ पे ये मैंने मस्कारा यहाँ पे बताया है क्योंकि हम पूरा मेकअप कर लेते हैं बट अगर मस्कारा नहीं अप्लाई करते तो हमारी आईज में वो एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा इफेक्ट नहीं आ पाता है। हमारी जो पलके हैं जो आई लैशेज हैं वो एनहेंस नहीं हो पाती है और मेकअप कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। तो आपके पास एक मस्कारा, अच्छी क्वालिटी का मस्कारा होना जरूरी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्लू हेवन का वॉक फ्री मस्कारा है। अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी आपको। फिर जो फिफ्थ एंड द लास्ट प्रोडक्ट है दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और जब मेकअप की बात हो रही है तो इसकी बात तो होना जरूरी है। वैसे तो
हर किसी के पास लिपस्टिक होती ही है, बट यहाँ पे जब हम 5 मस्ट हैव प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो लिपस्टिक की बात करना बहुत जरूरी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये न्यूड शेड की लिपस्टिक ली है, ये ब्यूटी पीपल का HD क्रेयॉन है और ये मैंने यूनिसो नाम का एक स्टोर है मिनिसो के जैसा ही वहां से बाय किया था एंड दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल न्यूड शेड। मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूड शेड, अभी भी मैंने यही लगा रखा है। तो आपके पास लिपस्टिक जरूर होनी चाहिए, अगर आप बहुत सारी लिपस्टिक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो एक रेड, एक पिंक और एक न्यूड लिपस्टिक में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। ये आपका पूरा मेकअप का गेम चेंज कर देंगे और आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर दिखाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर माय वीडियो, ये थे मेरे 5 प्रोडक्ट्स जो हर एक लड़की के पास मस्ट हैव होने ही चाहिए मेरे हिसाब से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आप और किस तरीके के वीडियो मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।